कोरोना महामारी के बाद उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में हुई खून की कमी को देखते हुए और ब्रह्म कर्म निभाते हुए मेनारिया समाज के युवाओं ने रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। पानेरियों की मादरी में हुए इस रक्तदान शिविर में 100 यूनिट रक्तदान का टारगेट लिया गया, जिसे प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच रक्तदान कर पूरा किया गया। ब्राह्मण का धर्म और कर्म लोगों की जीवन रक्षा है और इसी को पूरा करते हुए मेनारिया समाज और रक्तदाता युवा वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में इस शिविर का आयोजन किया गया। प्रवक्ता कैलाश मेनारिया ने बताया कि समाज के युवाओं ने स्वप्रेरणा से शिविर का आयोजन किया है, जिसमें समाज के वरिष्ठ जनों ने भी सहयोग किया है। वहीं विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री ललित मेनारिया और समाज के उपाध्यक्ष बंसीलाल नाथावत ने भी युवाओं द्वारा की गई इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि मेनारिया समाज द्वारा हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और अब वृहद स्तर पर आयोजन कर रक्तदान की संख्या में बढ़ोतरी करने का भी प्रयास किया जाएगा। संपूर्ण मेनारिया समाज एवं रक्तदाता युवा वाहिनी की तरफ से आज ये विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मेनारिया समाज के लगभग करीब 100 युवाओं ने हिस्सेदारी की है और 100 यूनिट का हमारा टारगेट है। इन युवाओं ने सबने मिलकर करके ये प्रोग्राम का आयोजन किया है और इनके इस कार्य के लिए मैं इन सब मेनार समाज के युवाओं को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ आपके उदयपुर न्यूज चैनल के माध्यम से कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, सारी व्यवस्था की और ये करीब एक हफ्ते से लगे हुए इसका आयोजन करने के लिए और सारे युवाओं में ब्लड देने का बड़ा जोश है कि इस कोरोना काल के अंदर जो रक्त की कमी चल रही है उसमें हम अपना जितना हो सके सहयोग दें, इसका उत्साह है इन युवाओं के अंदर से। तो आपके माध्यम से मैं इन युवाओं को, मेनारे समाज को और युवा रक्त वाहिनी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। वैसा भविष्य में भी किसी तरह का हर साल इस तरह का आयोजन करने का कोई विचार है? ये युवा और सब मिलके और समाज, मेनारे समाज संपूर्ण मिलके और इस प्रकार का आगे भी आयोजन रखने का हमारा प्रोग्राम है और इसके लिए सारे युवा तैयार है। युवा रक्त वाहिनी सेना द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। अभी कोरोना की महामारी के चलते हुए उदयपुर के अस्पतालों में जिस तरह मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस तरह अस्पतालों में ब्लड की कमी है और अस्पताल प्रशासन द्वारा भी हर बार कहा गया है कि ब्लड डोनेट किया जाए, तो पानेरी मादरी युवाओं द्वारा आज ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं द्वारा ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। हमारा टारगेट 4 यूनिट का है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट दान करके हॉस्पिटल प्रशासन को और जो पेशेंट हैं उनको मदद के लिए पानी की माधुरी द्वारा, युवाओं द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है, और उदयपुर की जनता से भी आह्वान करना चाहेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी युवा रक्तदान करें, जिससे जो मरीज हैं उनको समय पर इलाज हो सके। रक्तदान का शिविर मेनार समाज और युवा रक्तदाता युवा वाहिनी के तत्वाधान में पानेरियों की मादरी होली चौक नोरा में आयोजन किया गया है और भविष्य में हम चाहते हैं कि मेनार समाज के तत्वाधान में इससे बड़ा आयोजन, ये मेरे ख्याल से पानेरियों की मादरी में हम पहली बार कर रहे हैं, तो इससे हमारे को उम्मीद जगेगी और इस बार बड़े लेवल पर करके बहुत बड़ा आयोजन करने की योजना है ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। आज मेनारे समाज पानेरियों की मादरी में मेनारे समाज और रक्तदाता युवा वाहिनी की तरफ से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अब तक लगभग 50 से ज़्यादा युवाओं ने अपना रक्तदान कर चुके हैं और इस कोरोना काल में रक्त की भारी कमी को देखते हुए हमने हमारी युवा वाहिनी ने सोचा कि रक्त की कमी को पूरा करने के लिए हमने विशाल ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया, तो सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हम आगे भी इस टाइप के भविष्य में और भी प्रोग्राम करने की हम इच्छा जागृत करते हैं।